हाय गाइस, आज जो हम सब्जी बनाने वाले हैं वो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन पनीर के साथ। आज हम वही सेम सब्जी बनाएंगे आलू के साथ। तो इस सब्जी का नाम है भुना मसाला, जो बिल्कुल कढ़ाई पनीर जैसा टेस्ट देगी और इतनी इजी है बनाने में बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए ये छोटी सी और यमी सी रेसिपी जो सबको बहुत ही पसंद आने वाली है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्रेवी प्रिपेयर कर लेंगे और एक चका पे हमने आलू जो है वो उबाल के ऑलरेडी रख दिए हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लिया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। अच्छे से गर्म हो जाने के बाद उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 मीडियम साइज की डाइस्ड करी हुई प्याज, जो बहुत ही छोटा छोटा हमें चॉप करना है। आप चाहें तो किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं या फिर कटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह भूनना है। इस सब्जी का नाम है भुना मसाला। तो जो ये भुना जो वर्ड है, इसका मतलब है हमें प्याज को, टमाटर को, आलू को, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से भूनना है। तो प्याज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक इसमें एक एरोमा ना आ जाए, इसका एक कलर ना आ जाए। तो ऐसे हम इसे सॉटे करेंगे। देखिए काफ़ी अच्छे से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक चॉप करी हुई हरी मिर्ची और 1 चम्मच बारीक चॉप करी हुई अदरक। अब इसमें ये चीज़ें ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपको सब्ज़ी में पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसे हम बिल्कुल अच्छे से सॉटे कर लेंगे, इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि जो अदरक है वो थोड़ी सी टेंडर हो जाए और फिर बाद में मुँह में ना आए, क्योंकि बच्चों को अदरक का टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद होता। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसे भूनते भूनते, और इसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छे से इसमें खुशबू आ रही है, प्याज का जो ऑयल है वो भी रिलीज़ हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसे मीडियम फ्लेम पे करके अपना मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमने कटोरी ली है, आप कोई भी बाउल ले लीजिए। उसमें डालेंगे 1/2 कप दही, फ्रेश दही हमें यहाँ पे यूज़ करना है क्योंकि हम इस सब्ज़ी में दही डालने वाले हैं, जिससे एक बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। उस दही में हम सारे मसाले डाल लेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बिल्कुल ज़रा सा लाल मिर्च मैंने यहाँ पे कश्मीरी यूज़ करी है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इसे हम बहुत ही अच्छे से दही के साथ मिला लेंगे। दही को जब हम मसालों के साथ मिला लेते हैं तो वो जब कढ़ाई में डालते हैं वो फटती नहीं है। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ग्रेवी बनती है। ये देखिए दही का मिक्सचर हो गया है रेडी। तो चलते हैं अपनी प्याज की तरफ और सारा मिक्सचर हम इसमें पोर कर देंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि दही फटेगी नहीं, ऑलरेडी इसमें मसाले हैं। और दही डालते टाइम हमें बस याद रखना है कि गैस थोड़ी सी मीडियम पे हो। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। देखिए अभी ये जो दही है और ऑयल है वो बहुत सेपरेट है, तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, पकाना है, और जब दही तेल रिलीज़ कर देगी मतलब हमारी जो दही है वो भुन गई। दही को हम 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे, और बाद में हम गैस को तेज़ कर देंगे। और देखिए 3 से 4 मिनट बाद काफ़ी अच्छे से तेल जो है वो रिलीज़ हो गया है, दही बहुत ही जल्दी भुनती है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी, जो मैंने 3 से 4 टमाटर को अच्छे से पीस के रखा है, तो वो हम इसमें प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे इसके साथ मिक्स कर देंगे। चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, देखिए ऐसे। देखिए टमाटर और दही और जो प्याज का मिक्सचर है उसे हमने काफ़ी अच्छे से भून लिया है, मिक्स कर लिया है। अब टमाटर को पकाना है तो नमक तो डालना ही पड़ेगा। तो टमाटर के लिए हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आपको चाहिए या जितना आपको पसंद है। और ये देखिए इसमें नमक भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। इसे हम चलाते रहेंगे 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में और टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। देखिए टमाटर काफ़ी अच्छे से पक गया है, जो ग्रेवी है वो कुक हो चुकी है। तो अब इसको थोड़ा सा तरी वाला बनाने के लिए, थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हमें ठंडा पानी ऐड नहीं करना, गर्म पानी ऐड करना है। तो करीब 1/2 से 1 कप के बीच में हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मिक्सचर के साथ। ये देखिए इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसे उबाल आने तक वेट करेंगे। इसमें कम से कम भी 2 से 3 अच्छे उबाल लाने के बाद हम इसे कवर करेंगे। ये देखिए उबाल कितने अच्छे से आ गया है।
इसे हम कवर कर देंगे करीब 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और अब हम चेक करेंगे, ये देखिए कलर भी कितना इन्हांस हो गया है, ढक के तेल बिल्कुल रिलीज हो चुका है, ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से पक गई है और खुशबू तो मैं क्या ही बताऊँ, इतनी बढ़िया आ रही है। हमारी होटल जैसी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई है, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी लजीज लग रही है। बस मन कर रहा है इसमें फटाफट से कुछ भी डालें, आलू पनीर, और फटाफट से खाएं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बस ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, इसमें डालेंगे एक बड़ा पिंच गरम मसाला का, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। ज़रूरी नहीं है आप इस ग्रेवी को जैसे मैं सब्जी बना रही हूँ वैसे ही बनाएं, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसमें पनीर डालें, आलू डालें, चाप डालें, जो आपको पसंद हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी ग्रेवी बनी है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हमने एक पैन में, दूसरे पैन में बटर ले लिया है, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बटर यूज़ किया है, बटर में मैं लंबी लंबी प्याज और शिमला मिर्च डाल दूंगी, एक प्याज और एक शिमला मिर्च, और इसे हमें बहुत ही अच्छे से सौटे करना है। जैसे हम कढ़ाई पनीर के लिए प्याज और शिमला मिर्च को अलग से सौटे करते हैं, उसमें बस क्यूब्स में करते हैं, इसमें हम स्लाइस में करेंगे। ये देखिए इसे मैंने लंबा लंबा से ऐसे सौटे कर लिया है, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना, इसे हम थोड़ा कच्चा कच्चा क्रंची क्रंची रखेंगे, इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए ये अच्छे से सौटे हो गई हैं, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू जो मैंने चंक्स में काट रखा था, और ये भी हम बहुत ही अच्छे से सौटे कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे सौटे करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो उबला हुआ आलू जो पैन के चिपक जाएगा। तो इसे हम ऐसे सौटे करते रहेंगे। देखिए आलू जो है वो काफ़ी अच्छे से हल्का सा कलर भी आ गया है, आलू में गोल्डन ब्राउन हो गया है, प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छे से पक गई है। तो हमारा ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है, आप इसे चाहें तो एज इट इज सब्जी में डाल सकते हैं, बट मैं इसमें एक फ्लेवर ऐड करने के लिए यहाँ पे कसूरी मेथी डालूंगी, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी है इस मिक्सचर में, अच्छे से घुमा लिया है, मिक्स कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज़ ये पूरा मिक्सचर हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मिक्सचर को पूरा अच्छे से ग्रेवी में पोर कर देंगे, और ये देखिए इतनी बढ़िया लगेगी ना, मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये घर में बनाई है या फिर आपने होटल से मंगाई है। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनके रेडी हुई है, इसे हम मिक्स कर लेंगे, बस 2 से 3 मिनट अभी इसे पकाना है, और इतनी ज़्यादा टेस्टी कढ़ाई आलू, भुना आलू रेडी होगा मैं आपको बता ही नहीं सकती। इसका कलर देख के आप खुद ही समझ जाएंगे कितनी बढ़िया रेसिपी बनी है और कितनी जल्दी बनी है। ये देखिए सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, इसमें गार्निशिंग के लिए डाल देंगे हल्का सा हरा धनिया, और इसे भी हरे धनिया के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर से भी कई लोग घी या बटर डाल के खाते हैं, मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि ऐसे ही इतनी टेस्टी लग रही थी। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ, ब्रेड के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ मज़े से खा सकते हैं। अगर आपको ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें।